आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आशुतोष के ब्लॉक से नाराज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजघाट पर मौन व्रत पर बैठे हैं। हम आपको बता दें कि आशुतोष ने संदीप कुमार के बचाव में ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू पर टिप्पणियां की थी। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम बता दें कि कांग्रेस के तमाम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि राजघाट पर मौन व्रत पर बैठे हैं। तो कांग्रेस का मौन व्रत, ब्रजेश इस खबर पर हमारे साथ। ब्रजेश, तमाम बड़े कांग्रेस के नेता दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर मौन व्रत पर हैं, पसीने में भी तरबतर हैं और मौन व्रत चल रहा है। आखिर आशुतोष से नाराजगी है, ब्लॉक से नाराजगी है, क्या कह रहे हैं अपनी बात में, वो क्या कहने जा रहे हैं मौन व्रत से जाने से पहले? बिल्कुल, देखिए अब जो मौन व्रत है वो खत्म हो चुका है। राजघाट पे तमाम जो बड़े नेता थे वो पहुंचे थे, पूर्व मंत्री पहुंचे थे, विधायक पहुंचे थे, सांसद पहुंचे थे। 15 मिनट तक सभी मौन व्रत में बैठे, उसके बाद मौन व्रत खत्म हो गया। अब यहाँ से लोग निकल रहे हैं, कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर मौन व्रत में बैठे थे, मांगे क्या कुछ है? आशुतोष जो बोला है, सीनियर आदमी है, उन्होंने जो महात्मा गांधी नेहरू से कहा, उसको तो अविलंब केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। महात्मा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का एक रेपिस्ट से तुलना नहीं की जा सकती है। सद्बुद्धि के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे थे, क्या सद्बुद्धि भगवान और महात्मा गांधी जो उनको सद्बुद्धि दे, जिस महात्मा गांधी के बार बार आके समाधि पर आकर के वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, उसी महात्मा गांधी को रेपिस्ट से तुलना कर दिया। आगे फिर कैसे चलता रहेगा पूरा आप लोग? विरोध सिर्फ आज का है या आगे भी रहेगा? आगे भी चलता रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष निर्देश के अनुसार जैसा जगाएंगे चलता रहेगा। ब्रजेश, ये प्रतीकात्मक था, सिर्फ एक कितनी देर के लिए ये इनका मौन व्रत था जानना जरूरी, कितनी देर के लिए मौन व्रत था? ये सांकेतिक प्रदर्शन था प्रतीक, इसमें 15 मिनट तक ये बैठे थे। मैंने 15 मिनट तक जो तमाम नेता थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, वो बैठे थे। विरोध दर्ज कराया गया उस ब्लॉक को लेकर जिसमें महात्मा गांधी, आरोप ये लगा कि जिसपे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पर टिप्पणी की गई थी, उसका विरोध था और उन पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए 15 मिनट का मौन व्रत रखा गया। तमाम नेता इसमें शामिल हुए। फिलहाल व्रत खत्म हो चुका है, तमाम जो लोग हैं, तमाम नेता हैं, वो अब बाहर की ओर कूच कर रहे हैं। साफ कहना है, अभी कुछ नेताओं से भी हमने बात भी की, उनका भी यही कहना है कि सद्बुद्धि दिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, लेकिन सवाल एक बार फिर वही कि आखिरकार प्रदर्शन जो अभी शुरू हुआ है ये कब तक चलेगा, कब तक इनका विरोध रहेगा, ये अभी तय होना बाकी है। आपने कांग्रेस के तमाम, आपने कहा कि अभी खत्म हो गया, तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं, आप बातचीत के सिलसिले को भी जारी रखेंगे और उनसे बात भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस इस बात को प्रोटेस्ट दर्ज करके जहां तक सवाल है हमला कर रही है आशुतोष को, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो आशुतोष का निजी बयान है। लोगों से ही बात करते हैं इस पे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि आशुतोष जी ने जो भी बोला, आशुतोष ने, वो उनका निजी बयान है, निजी सोच है, तो फिर प्रदर्शन किस बात? आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है अपने आप में आशुतोष जी, उन्होंने उन महान आदमियों का अपमान किया जिन्होंने देश को आजाद कराया था, जिन्होंने देश के लिए खून बहाया था, और उन्होंने ऐसा करके पूरे हिंदुस्तान की आवाम का अपमान किया है। एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी। पार्टी सफाई दे चुका है जी, ये उनका निजी बयान नहीं है, ये पार्टी का अपना बयान है, क्योंकि जो प्रवक्ता होते हैं वो पार्टी की तरफ से तैनात किए गए होते हैं, वो प्रवक्ता थे। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का ही बयान है। बहुत बड़ी बात है कि पूरे राष्ट्र के बड़े नेताओं का उन्होंने अपमान किया है, ये पूरा देश इसको उनकी सजा देगा। पंजाब में भी देख लिया आपने, पंजाब में भी फूट पड़ी, दिल्ली में क्या हाल हुआ है? पार्टी ने कहा है कि वो उनका अपना निजी बयान हो सकता है। अपना उनका निजी बयान नहीं है, उसको डमी बना के आगे करा गया, उसको ढाल बना लिया केजरीवाल ने कि मेरी ढाल है, इसलिए उसके बयान कर दिया। बिकॉज ही हैज नो पावर इन सच टाइप ऑफ जस्ट लाइक यू टू सीएम, तो उसका निजी बयान का क्या मतलब है? ये सारी शैप पार्टी की है, निजी बयान नहीं होता ये। तो केजरीवाल जी इतनी हद से गिर गए, इतने नीचे बने पुतरिया है कि जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाई, जिन महात्मा गांधी जिनके नाम से देश पहचाना जाता है, उनके भी अपमान करने में भी ये चूक नहीं रहे। इसका मतलब इससे बड़ी नीचता आम आदमी पार्टी की कोई नहीं हो सकती। अपमान का विरोध है और उस विरोध में ही मौन प्रदर्शन किया गया था। जी जी, बहरहाल पार्टी ने अपने को अलग कर लिया था आम आदमी पार्टी ने, और कपिल मिश्रा का भी बयान था,
और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस बात के लिए नाराज कि गांधी और नेहरू से की गई तुलना। लेकिन दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार की मुश्किलें जहां तक है वो बढ़ रही। पुलिस आज भी संदीप कुमार को रिमांड करने के लिए अपील करेगी और जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का कहना है कि उन्होंने संदीप कुमार के सीडी कांड की पूरी चेन का भी पता लगाना है। आपको बता दें कि रविवार को भी संदीप कुमार के घर की दिल्ली पुलिस ने तलाशी ली थी।